शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी के सीतापुर में महामारी का कहर लगातार जारी, जिसमें वायरल बुखार व संक्रामक बीमारियों से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 पहुंच चुकी है। प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ब्लॉक गोदला मऊ के नटवल ग्रंट गांव में अभी तक एक भी शौचालय नहीं बना है। जहां एक तरफ संक्रामक बीमारी के चलते बेगुनाह लोगों की मौतें हो रही हैं, वहीं नटवल ग्रंट ग्राम सभा के लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। वहीं सी कुछ देखभाल नहीं है, अति परेशानी है, टट्टी जाम मुश्किल है, ना सड़क बनी है, ना कुछ बनी है। चार लोग गिर गए रहें तो रात भर लड़का दौड़े 12 बजे रात के यहाँ आए रुखिया, और परेशानी। शौचालय के लिए कहाँ जाना पड़ता आप लोगों को? खातन के यहाँ जा, दूर साहेब दूर जा के यहाँ पड़ते हैं। टट्टी नान ना लड़का लेकर, और हम सबको जो है बूढ़ हो बूढ़ों के यहाँ बाँह पकड़ के यहाँ एक जन के ऑपरेशन भेज रहे हैं, तब है बाँह पकड़ के यहाँ टट्टी लेंगे हैं। तो प्रधान ने आप लोगों को शौचालय दिया नहीं है? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं दिए, ना शौचालय किसी को काम नहीं दिया, ना कोई योजना, कुछ देखभाल नहीं है, अति परेशानी है, टट्टी जाम मुश्किल है, ना सड़क बनी है, ना कुछ बनी है। चार लोग गिर गए रहें तो रात भर लड़का दौड़े 12 बजे रात के यहाँ आए रुखिया, और परेशानी। शौचालय के लिए कहाँ जाना पड़ता आप लोगों को? खातन के यहाँ जा, दूर साहेब दूर जा के यहाँ पड़ते हैं। टट्टी नान ना लड़का लेकर, और हम सबको जो है बूढ़ हो बूढ़ों के यहाँ बाँह पकड़ के यहाँ एक जन के ऑपरेशन भेज रहे हैं, तब है बाँह पकड़ के यहाँ टट्टी लेंगे हैं। तो प्रधान ने आप लोगों को शौचालय दिया नहीं है? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं दिए, ना शौचालय, किसी को काम नहीं दिया, ना कोई योजना। बीमारी चल रही, क्या हो रहा मामला है सर? शौचालय है नहीं तो बीमारी तो चलेगी। एक भी शौचालय नहीं अब तक बना हुआ है। इधर बाहर सब लोग लैट्रिन जाते हैं, शौचालय नहीं, उसी गंदगी से सब बीमारियां चल रही हैं। पूरा गांव बीमार है सर। हर एक घर में कोई स्वच्छ नहीं है, चारों तरफ मतलब बीमार है। इस बार आपने मांग की इसकी कि शौचालय मिले आप लोगों को? सर मांग की है, लेकिन कई बार होते हैं कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन क्या करे, कोई कहता है आता नहीं तो मजबूरी है, तो क्या बताऊँ। सुनवाई नहीं है, ना सड़क है चारों तरफ से। अगर बारिश हो जाती है तो ऐसा होता है, सिर्फ खाना समझ लो बगैर नमक का खाने पड़ता है। नमक ले जाने का रास्ता नहीं वहाँ पे, जो मार्केट से नमक लाया जाए। आपका नाम? हमारा नाम अजय यादव है। वहाँ पर आज तक एक भी शौचालय नहीं बना है। गाँव वालों का आरोप है कि यहाँ से भी ऐसा दिक्कत हो रही है कि बाहर शौचालय नहीं एक भी गाँव में बना है, जिसके चलते लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा है? जाए हमका जाते हैं ख्यात, हम जाग पड़ते खेतन जाग पड़ रहा है, तो दूरी बीमार है, तो हाँ बीमार ए सी से बीमारी भी फैल रही है। काहे के लिए? गंदगी के मारे। बीमारी चल रही, क्या हो रहा मामला है सर? शौचालय है नहीं तो बीमारी तो चलेगी। एक भी शौचालय नहीं अब तक बना हुआ है। इधर बाहर सब लोग लैट्रिन जाते हैं, शौचालय नहीं, उसी गंदगी से सब बीमारियां चल रही हैं। पूरा गांव बीमार है सर। हर एक घर में कोई स्वच्छ नहीं है, चारों तरफ मतलब बीमार है। इस बार आपने मांग की इसकी कि शौचालय मिले आप लोगों को? सर मांग की है, लेकिन कई बार होते हैं कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन क्या करे, कोई कहता है आता नहीं तो मजबूरी है, तो क्या बताऊँ।